आपको देखे शेख साहब से मिलवाती हूँ, आप उनसे मिलकर खुश हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। ठाकुर साहब कैसे कैसे बुलाएं? ठीक ठाक है। ये है ना शेख साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं? हाँ मैंने पहचान लिया है असल में। खैर ये बहुत अच्छा है कि ये कितने अच्छे गेस्ट हैं, अपने साथ चाय खुद ही ले आए, खर्चा बच गया। हाँ लेकिन बिस्कुट आप मंगा लें। बिस्कुट वैसे आपके लिए बिस्कुट नहीं नहीं सॉरी, मुझे कहते हुए सोचना चाहिए था कि आप तो पहले ही शेख हैं। ठीक है तो ऐ कि ये इसको कहते हैं अबो पता ही थोड़े को आ रही है आई नाक बंद कर लें इनी बो। देखो जैसे वो किसी से चाय मांग के लाए हैं, तुम भी किसी और से चाय मांग के ले आओ। मैंने पीनी है। अच्छा सुनो ठाकुर साहब, आज आपने ना कोई कसर नहीं छोड़नी, जो दिल में आए ना कह दे। अब मैं मानता हूँ खवातीन की बात माननी चाहिए। फिर मैं शो इंट्रोडक्शन वगैरह दे दूँ, फिर शो स्टार्ट करते हैं ना। जाएं दे आएं, मैं इधर ही हूँ, आप बेफिक्र। मैं इधर ही बैठ के दे रहा हूँ, ऐसा मसला। ठीक है आप इंट्रोडक्शन करा लें। जी जी कराने लगे। जी 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 आप पहले मेरा कराएंगे क्या आप? थोड़ी देर प्लीज आवाज़ आस्ता रखें मैम। प्लीज जी 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 मैम करा। फिर आप भी ना बोलें। नहीं मैं बोलूँगा नहीं तो कैसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा? मेरा कराने लगेंगे अपना दोनों का दोनों करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और ये प्रोग्राम मेहमान कदरदान। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको आप दोस्त फ़ुरानी कॉपी के नाम से भी जानते हैं, उनको आप लंबी नाक के नाम से भी जानते हैं, उनको आप लंबे कान वाले से भी जानते हैं, उनको आप गंजे के उसे भी जानते होंगे, बड़ी मूंछों वाले के से भी जानते होंगे, और इनका नाम ले लें मुन्नाली मशीन इफ्तखार ठाकुर आर्टिस्ट के नाम से मुझे लोग जानते हैं। आपने ये नोट किया आपके कान आपके मुंह के लिहाज से बहुत बड़े नहीं हैं? ये मैंने खुद जो है ना करवाए थे मिस्त्री से, ताकि मुझे पता चलता रहे कि पीछे से भी ट्रैफिक आ रही है। आप कानों से देखते हैं? नहीं नहीं आंखों से देखता हूँ कानों को। वैसे आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, अचानक कोई एंटर हो ना तो उसको लगे कोई लंडे का वही मुराद पड़ा है। सर आपने थोड़े थोड़े ना जाले साफ करने वाली वो जो होते हैं ना मॉप, वो लगते हैं। आप शुरू से बगलोल हैं या बड़े होके हुए? सर आप थोड़ा सा सीधे होके बैठे, मुझे ऐसा यहाँ से लग रहा है जैसे ना पतंग कन्नी खा रही है, हवानी से चल रही है। बिल्कुल 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 चलो यानी बाबा जी में दही बेचने वाला बैठा हूँ। सर ये वैसे बड़े अच्छे स्टाइल आपका है, ये धोती को आपने ऊपर क्यों पहन लिया है और शर्ट की तरह? और धोती नहीं है, धोती नहीं पूरी पहनी हुई है। ओए धोती नहीं है, ये शलवार है, ये कमीज है। नहीं आप गुस्सा ना मैंने चढ़ाई समझ आई? कपड़े धो के दो में टाइयां तो ये फाड़ के कन्ना दे उते तेरे। नहीं नहीं मैं कह रहा हूं ये धो के कपड़े पहने हैं ना, मैं वो कह रहा हूं धो के पहने हैं, वॉशिंग मशीन में डाले थे, उसमें साबुन डाला था। धोते हैं ना फिर आगे दी मारो को खोती दे बेच को गल दी बाहर निकले। अच्छा क्या कहते हैं आप खुद गाते होते थे कि आपने पहले पंचर लगाते होते थे, तो आपको नहीं ऐसा लगता जैसे आप यहाँ आके आप एक पंचर वाला कम हो गया? चाबी वाला बंदर वो किन्ने होश बनाया नु, वो खुदा दे बंदे कितने फसाता जे। सर ये बात सही है कि पतले होने की वजह से लोग जो पतले होते हैं वो अगवा ज्यादा होते हैं, इसलिए कि अगर मतलब मोटा हो उनको उठाना मुश्किल होता है, पतले लोग जल्दी अगवा हो जाते हैं। और तेरी बंदा गल्ला सुने के हंसे तो ना, लाल शर्ट पा के बैग इंजन सामने जनरेटर पे आए तो हमने तेरे को खत पा के निकल जाए लैटर बक्स बोलो ना तो तेरा तुहाड़ा पता नहीं लगता तुम इंसान। मुझे पता तेरा खींचने का रिकॉर्ड बनाने के अलावा मूछों का क्या काम होता है? आराम से बैठ के बात करेंगे इस वक्त, ये मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम कि कहीं टीवी पे ना चल पड़े, लोग ना देख लें। तो किसी वक्त मैं आपको बताऊंगा बैठ के। डन हो गया, डन हो गया। आप ज़्यादा परेशान कब होते हैं, अपनी जिस्मानी कमजोरी देखकर या ज़हनी कमजोरी देख? तेरे वर्ग को बंदा ऐसा हो मैं समझा लेंटर देख दूँ। छोड़े छोड़े सर ये हो रहा काम, आप कुछ कह रहे थे। नहीं तो प्रोग्राम के अंदर ये किस तरह? ये सर ये होता है इधर से साफ करो। हेलो इधर साफ कर, ये
तुम सही नहीं कर करते साहब, ये इधर बैठो। हाँ इनको देखो जरा, मैं देखोगी मतलब मैं फौत हो गई? नहीं नहीं, मैं वो आप भागना ना जाए। कौन भाग जाए? मैं दे, आप आप तेरा मुंह इंजे जिवें हेलीकॉप्टर जो बिल्ली डिगी होंगी। ओनू बात है सामने, इंटरव्यू आपने करना है कि उसने करना है? सर आप टोपी उतारेंगे जरा, मैं देखना चाह रहा हूँ साफ है आपका सर। इंटरव्यू आपने लेना है कि इसने लेना है? मैं कर हो गया सर, चलो जल्दी आओ, हो गया सर जल्दी, और भी काम है। अच्छा सर, हम कुछ बात कर रहे थे। फिर ना कटा गल करनी है सर, कुछ सवाल कर रहा था मैं आपसे। कि अल्लाह के नाम से? नहीं 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 सर, एक इशारे राउंड किसने बनाया है एंकर, तेनु किसने बनाया सर? इशारे राउंड खेलना है आपके साथ, खेल लूं? खेलना है इशारे राउंड? इशारे राउंड, इशारे राउंड में आपको मुख्तलिफ इशारे करूंगा, आपने बताना है मैं क्या कर रहा हूं। तेनु बंदा नाक तो वहीं करके फाड़ के ना जी एमएम करके ते मारे के सवेरे सवेरे नाश्ते तो पहले सर, एक इशारे राउंड कर ले। हां अच्छा, ये मुझे बताए ये क्या? तेरा मुंह, ये स्टिक है ठीक है? अच्छा। जो खड़ी है स्ट्रेट? अच्छा। खड़ी है? हाँ ये गलत हो गया। अच्छा ये क्या? अपना थोड़ी जी चाह मैंने भी दे। चुटकी? चुटकी 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 दे थोड़ी सी? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा वही मैं जरा पहले तुम्हें क्या एग्जैक्टली वही मानदा थे तू है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये बताए ये क्या? जब मूछों को वट देते हैं? नहीं नहीं नहीं, मूछे काली कारण, ये काला लगाया काली वाली। अच्छा ये मुझे बताइए ये क्या? मतलब ऐसा मतलब जब लंग दे तेरे मुंह ते के तो चपेड़ते के तो चपेड़ बंदा मारी जावे? रोबोट डांस कर रहा हूं, रोबोट डांस, रोबोट। हां अच्छा मुझे बताइए मैं क्या कर? ये तो ही साबुन ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਨਵਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਰੀ ये भी आपका रॉन्ग है, जरा सीमर का बंदा है। अच्छा मुझे बताइए क्या कर? तो तुम मुंह चढ़ा रहे हो किसे? नहीं नहीं ये ना खरगोश की नकल उतार रहे। ये भी आपका सारे गलत हो गए। एक ठीक हुआ था। केड़ा? वो वाला, ये वाला छोटे डेढ़ साल के बच्चे दे टेढ़ जना मुंह है तेरा, पूरे बच्चे जितना, डेढ़ साल के बच्चे जितना, और तू थथा भी है अन्ना भी है तो कन्ना तो बोला भी है। मुझे पता है मुझे कैसे यकीन आएगा कि आप वाकई इफ्तिखार ठाकुर हैं? हो सकता है आप और कोई हो। मैंने एक देखा था, एक टीवी वाला पुलिस वाला था, वो इफ्तिखार ठाकुर की एक्टिंग कर रहा था। मैंने देखा एक दिन पठान था, वो इफ्तिखार ठाकुर की एक्टिंग कर रहा था। तो मैं कैसे मानूं आप वाकई इफ्तिखार ठाकुर है? उन्हें मैं तेरे नाक ते दंदी मारा तन पता लग जाएगी कौन है। कैसे मुझे पता चलेगा आपसे? वो पुलिस वाले का गेटअप होता है, वो गेटअप करके इधर आते हैं। तो फिर आप एक्टर हो ना, कॉमेडियन तो फिर नहीं है? नहीं मैं एक्टर भी नहीं हूँ ना मैं कॉमेडियन हूँ। आप फिर क्या है? ओ मैं खरे कौन आवे? मैंने फिर आपको क्यों बुलाया? मैंने तो इतने वलीमे तो बुलाया। तो फिर खाना खाएं और चलते हैं फिर। मैंने खाना वो भी देते, वो जो कह होती है सलामी दे दे फिर। फिल्म में भी आया ना तो मुझे दे दे सलामी। और मेरी जान छड़ दे ओए। अच्छा मुझे बताएं आप की एज भी इतनी हो गई है, आपके बाल भी नहीं रहे, अब आप बूढ़े भी हो गए हैं, आपकी मूछें भी अजीब से, आपके कान भी अजीब से, आपको अपने आप पे तरस नहीं आता? मुझे आ रहा था तेनू कहना क्या मैं बुढ़ा हो गया? आपके हाल नहीं, आपके ना आद रहा है एक मिनट, छुरियां काफी पड़ गई। नहीं नहीं ते ऐसे होने ही सब कौन बुढ़ा ते कौन जवान? नहीं नहीं मैं तेनू लतां तो फड़ के घुमा के कंधे च मारना। चलें चलें ऐसा करते हैं, एक ना आए नॉकआउट राउंड खेलते हैं ठीक है? हां फाइट करते हैं नाकों से करके, जो जीत गया वो ज्यादा ताकत। चलो चल आज। नहीं नहीं नाक बढ़ के देना मैं। नहीं नहीं आराम आए उत्तर में नाक च भी तलवार लो आई इतनी तेज नाक। हाँ जी आप तो नाक किंग हो। हम दस बुढ़ा कौन है जवान कौन?
ऐसी नाक किसी की नहीं हो सकती, ऐसे कान भी नहीं होता है। नहीं, कभी कोई ऐसा हुआ कि मेहमान आया थे अखीर थे, तेरे दंदा ने तो कसौन मार के गया हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। दांत पे नहीं, सिर्फ मुंह पे, नाक पे। अरे ये ना जिन है जो कि ना वो काफ का था, तो ये मुझे बहुत देर से तंग करता है। ये मुझे कह रहा था कि मैंने ना इफ्तिकार ठाकुर का ना चिमड़ना है। ठाकुर साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो काफ में आपके ड्रामे देख के ना हर दिन जुबते करता है। आपका मुंह ऐसे जैसे एम्पायर की उंगल होती है। एक दफा मुझे गले लगा ले। चिमड़ के फोटो इंटरव्यू कब शुरू होगा? जी 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 जी, कर रहे हैं कर रहे हैं। बुलाया जो सवाल जवाब के लिए बुलाया था, वो आपने करना है या कोई और आएगा? आपका अगर अमानुल्लाह के साथ मुकाबला किया जाए तो कौन जीतेगा? पूरे एशिया के अंदर, इंडो पाक के अंदर, जहाँ जहाँ उर्दू और पंजाबी बोली जाती है, अमानुल्लाह साहब से कोई जीत नहीं सकता। अमानुल्लाह साहब किंग ऑफ कॉमेडी हैं। ऐसे बच्चे, अमानुल्लाह साहब जैसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं, और तुम जैसे हर सर्दियों में। मैं कॉमेडी की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिकेट मैच के मुकाबले की बात कर रहा। मैच अगर आप दोनों करा कराया जाए फिर कौन जीते? तो सिर्फ मैं तेन फिटे मुँह कह सकता कि कह दे पहले ही हाउस फुल है, और किनिया का लानता पाई है। आपको कितने साल हो गए ये काम करते हैं? मुझे 25 साल। 25 साल हो तो आपको ऐसे नहीं लगता अब आपको किनारा कशी कर लेनी चाहिए, कोई नए खून को आपकी जगह ले लेनी चाहिए? चलो मैं किनारा कशी कर लेता हूँ, आप खुदकुशी कर लो। जैसा फीडर दे निपल रखा तेरा मुंह है। तेन किन्ने वैसे एंकर बनाया, तेन किन्ने क्या शो कराया कर? कुछ लोग कहते हैं मुझे, कुछ लोग दे बच्चे जड़ी गल मैं पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं मुझे नहीं किसी ने कहा। चलिए एक ऐसा करते हैं, एक सिचुएशन राउंड खेलते हैं, ठीक है? मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है? आपने ना तगा नहीं किसी ने दे सकता, सिचुएशन की देनी। सिचुएशन ये है कि आप ना बंदी हैं, ठीक है? एक खड़ूस से बीवी हैं, ठीक है? आपका जो हस्बैंड है ना निकम्मा इंसान है, यानी आप कोई काम नहीं करता। हाँ, तो वो शाम को आया घर, ठीक है, खाना खाने, तो आप उसके साथ ना फाइट करेंगे, ठीक है? मैं आपको कुछ पर्चियाँ दूंगा, आपने ना पर्चियों में से एक को चूज करना है बंदा, ठीक है? उसमें अफरीदी भी हो सकता है, फवाद खान भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किरण, पर्चियाँ लाओ। क्या आ रही हूं, किरण आ रही हूं। अरे आ रही हूं, देखो पर्चियाँ ले आई। किरण ये पर्चियाँ हिला के ने दो इन्होंने। मैं जी गुलेल जी तू रखी है ना, ये वेची वटा भर के तेरी नासा दे कट मारना। अच्छा बस बस बस, इतना नहीं। मैंने आपके बारे में कुछ मुझे आपने कहा था कि इंटरव्यू होगा या सवाल जवाब होंगे। हां तो आप बांदर जा मेरे सामने बन के तुसी आप चले गए कि नहीं नहीं पर्ची निकाले ना। काली पर्ची निकाले, पर्ची ने वो सिचुएशन राउंड खेल रहे थे। क्या क्या अच्छा जी चम्मच नहीं मारी थी चीनी वाली ओदे जड्डे हो तुसी पता है इसमें मक्खी भी थी दो वो मैंने निकाल दी है और तीसरी तो नहीं मिली आपको। ओए होए 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 क्या निकला है? अरे गधा निकला है। आप निकले हैं इसमें से? ये आपका हस्बैंड आ चुका है के अबू कहाँ चले गए थे आप? सुबह से मैं इंतजार कर रही थी आपका, आप आए, मैं आपको पट्ठे पुट्ठे डालो। मैं काम ढूंढ रहा था, तुम्हें पता तो है मैं काम ढूंढता हूँ आजकल। आप थोड़ा पीछे हो जाएं, अगर उसने लात मार दी मंडी बाहुद्दीन जाके गिरेगी आप। नहीं मारता तुसी अनीश। दुलत्ती कभी खोते दी दुलत्ती सुनी? नहीं। और मुबारक हो आपको, दो खोतों के दरमियान खड़ी हैं आप। खाना दो मुझे, खाना मुझे भूख लगी है। कहाँ से दूं खाना, सुबह से कमा के कुछ लाए तो नहीं? सुबह 10 रुपए आप दे के गए थे, वो आपके बेटे ने टॉफियां खा ली हैं। 10 रुपए की टॉफियां खा गया वो? मैं क्या करूं, है गंदी औलाद। तो फिर खाने को और कुछ पड़ा होगा,
को फल छल पड़ा होगा वो दे दो। फल? मैंने तो जब से शादी की है मैंने कभी फल देखा ही नहीं। यहाँ तो सबर का फल नहीं कभी मिला, ये फल कहाँ से मिला? छोड़ दो मुझे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं एक नई बंदी ले आऊंगा। मुझे भी आपकी जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। पहले आप जैसे लोग बहुत ज्यादा होते थे, अब आप जैसे लोगों की तादाद क्यों कम हो गई है? स्प्रे हो गया है। तो पतले लोग वैसे आप साइड पोज अपना जब करते हैं ऐसे करते ऐसे, हैं, ऐसे ठीक है नहीं ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ऐसे, तो सिर्फ आपकी नाक दिखाई दे रही होती है, बाकी आप किधर जा? तेरे मुंह पे बड़ा प्लाजा नजर आता है, तेरे मुंह पे भी सिर्फ नाक नजर आता है, अखा नजर आती है। आपने वो जोक बना था ना कि गोदाम में जब आखिरी बोरी निकाल लो तो एंड से एक चीज निकलती है, वो आप है, क्या आप बना था? कणक वाला गोदाम भी होता है, चावलों वाला जेड़ा मर्जी गोदाम जिथे बोरियां पईयां। नहीं तो आप चावलों वाले गोदाम में जेड़ा मर्जी होवे तैनू की इस गल नाल होए। चलो तू अपना इंटरव्यू कर, जेड़े दे वास्ते तू मैनूं बुलाया, एक गल ते अड़ जांदा। रैपिड फायर राउंड खेलते मैं एक लफ्ज बोलूंगा, आपके ज़हन में कुछ भी आएगा आपने फौरन बोल देना। कटा तो करना है, आपने फौरन बोल देना। अच्छा चले, मैं बोलने से आपने बोल देना। क्या? फौरन। क्या लफ्ज? फौरन। कुछ कोई भी? फौरन। ठीक है हाँ। तीली? फौरन। नहीं, आपके जहन में ये लफ्ज सुन के जो चीज़ आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने समझा, जिस आप जो भी कहेंगे उस पर मैंने कहना है फौरन। तीली? शकील तीली। माचिस? माचिस के बीच बढ़ के सौंस रहा तारक टैडी। कांगड़ी? कांगड़ी पहलवान। पेंसिल? पेंसिल दे सिक्के अर का नाक तेरा। मूली? मूली खा के तो कभी मेरे को ना बही। टहनी? टहनी के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं। कॉमन पिन? कॉमन पिन लगाकर दोनों पेपर आपस में जोड़ दो। सूखा? सूखा सड़िया। केला? केला दो खाने चाहिए थे। जराफा? जराफे की गर्दन लंबी होती है। टूथब्रश? टूथब्रश सुबह और रात को सोने से पहले पेस्ट करके सोना चाहिए ताकि आपके दांत मजबूत रहें। वेचना बोलिया कर, मैंने पूरी गल कर दिया कर, तो मैं तेरे मथे ते कसौन मारना। करें ना जल्दी कर। क्या करें? रैपिड फायर जल्दी आंसर। गूंगा कर बन के ना, गूंगा बन के, तो इशारे ते मंगया कर। पतली पिन वाला चार्जर? पतली पिन वाला चार्जर अब नहीं मिलता लोगों के घरों में। मिलता है? कितने मिलता? मेरे पास पड़ा, आपको चाहिए करके रख दे। अगर नहीं मिलता तो आपको यूज कर लिया करें लोग, क्या करें, क्या करें, आप बता दें क्या करें। अच्छा वैसे बुरा ना हमने एक बात आपको, तेरी किसे गल दा बुरा क्यों बनाऊंगा, तो बंदा तो है ही नहीं। मैंने कल ना, अरे कौन है तू, ओ कैसा तेरा चिकड़ दे कोफ्ते का मुंह है। मैंने कल ना चिकन रोस्ट खाया था और मैं कसम से कह सकता हूँ उसके अंदर आपसे ज्यादा गोश्त था। चलो शुक्र है, मुझे इतने गोश्त की जरूरत भी नहीं। इतना बड़ा पीस था। कितना बड़ा? इतना बड़ा, एडा बड़ा पीस तेन तेनू कौन ला के देता है? फ्री में मिला। सड़क तक किधर किधर डिग्गा तो चुके हैं। ऐसे ऐसे आप तो ले नहीं सकते। 36 सालों तो मैं तेरे देखने नहीं, लाल शर्ट ते नीली पैंट तेरे को। अच्छा मुझे पता है, कभी आपने आपने शीशे में अपने आप को देखा हो तो आप अपने आप को गालियां निकालते हैं? ओए है को स्टूडियो के मर गए हो सारे। आप नाक से खरबूजा काट लेते हैं? हाँ जी, नाले सोंगरे ना, नाले चीर भी लेना। हाँ जी, फाड़ियाँ भी कर लेना। ऐसे काटते हैं कि ऐसे काटते? ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ऐसे काटना हो फिर नाले मैं तेरी शार अग वड़ के जाऊँगा। आप नाक से इशारा तो नहीं कभी काटा? आपका ट्रैफिक वार्डन ने चलान कर दिया हो के इशारा काट दिया नाक से? नाक आपकी थोड़ी आगे होगी वो लाइन से, वो काफी लाइन से, वो जो लाइन होती है स्पेयर लाइन, वो सिर्फ उन्हें क्या नो बॉल बस। आपने कहीं जाना तो नहीं? वैसे आप आजकल फ्री होंगे तो आपके पास बहुत टाइम। बिल्कुल वेला को काम कर रहे हैं, कैसा बांदर किले दे आखिरी लितरर का मुंह तेरा। अच्छा वो एक राउंड खेलते हैं, ठीक है? राउंड है? उसका नाम है अब बताओ सच बताओ। अच्छा ठीक है, उसके अंदर आपसे मैं कुछ सवाल बोलूँगा, आपको पूछूंगा, आपने बताना है कि सर बताना है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। जी मेरे से बात कर रहे? हाँ हाँ, ये आप ही जज है ना? जी 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 जी, वैसे जी। जज दे थोड़े अर्गा मुंह तेरा। नहीं, मैं वकील भी हूँ, जज भी हूँ, सारा कुछ हूँ, मगर आपने
सच बोलना। आए किरण थोड़ा उधर जाओ, इधर उधर जाओ, उधर खड़ी हो, थोड़ा सा उधर खड़ी। हाँ, आप इसके सर पे हाथ रख के ना कसम खाएं कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। हेलो हेलो, रुके रुके, पहले मैं इनसे बात करूँ। हेलो हेलो बोल के क्या हुआ, नहीं खानी? नहीं, मेरी कसम क्यों, आप तो यही चाहते हैं ना कि मैं मर जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, आम साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। मरी है सिर्फ, तेनू दफनाना है। कम से कम तुम्हें जुकाम हो सकता है, तुम मर नहीं सकते। तो ये खाए ना अपनी तेज तलवार मूंछों जैसे। अच्छा चलो जी, मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ जो कुछ कहूंगा। तेज तलवार जो आपकी बीवी की सब्जियां काटने में काम आती है। अच्छा माशाल्लाह, ये भी मैंने सुना था। सर आजकल बच्चे बच्चे शुरू हो गए, आप लोगों ने सबको लगा दिया जुक्त हो गए। कैसा कांडियर का मुंह तेरा है, कांडी समझती है? नहीं, जैसे मिस्त्री टीप नहीं कर रहा। बहरहाल मैं अपने किधर रख, मैं अपनी मूछों पे हाथ रख के कसम खाता हूँ जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, अगर झूठ बोलूँ तो कासम मर जाए। नहीं नहीं नहीं, अगर आप झूठ बोलेंगे आके मूछें कट जाए। ठीक है किरण, अब हाँ चलो जी, थोड़ी मान लेने। ये किधर जा रही है? सवाल ये अपने काम से जा रही है। जब आप मरने के बाद भूत बन जाएंगे तो किसका जीना हराम करेंगे, मीरा जी का या शेख कासिम का? नहीं, मैं जीऊंदियां जीऊंदियां भी तो मर के भी तेरा ही बेड़ा गर्क करांगा, क्योंकि मैंने सिवाय तेरे ते किसी ते नहीं गुस्सा आएगा। मैं सोच रहा मैं इतने आया क्यों, ओए मैं सब कुछ चुक के वापस चल जाने। मेरा गलत सवाल ना करें। अगला 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 अगला। अच्छा, आपको इन कोवर्कर्स में से बुरा कौन लगता है, मोहसिन अब्बास, हैदरी डीजे या फिर वासे चौधरी? कोई एक बताना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, वासे चौधरी साहब हमारे कैप्टन हैं और उसका मैं फैन हूँ जिसका आप नाम ले रहे हैं, मोहसिन अब्बास हैदर का। डीजे आपको ज्यादा बुरा लगता है? मैं फैन हूँ उसका, मैं कह रहा हूँ बुरा क्यों लगता है? फैन का ये मतलब होता है ना कि आपको वो नहीं पसंद। आप एक चैनल छोड़ के दूसरे चैनल पे गए थे, वजह पैसा थी या आफ्ताब इकबाल? पैसे, यानी आफ्ताब इकबाल के पैसे की वजह? नहीं, आफ्ताब इकबाल के पैसे नहीं है, उधर से पैसे कम मिलते थे, इधर से ऑफर ज्यादा थी और कुछ सहूलतें ज्यादा थी। इसका मतलब आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते? मैं कहना कोई 10 रुपए थे मैंने देवे ना, मैं हूने तेनू इतने कतल करके जावा, तेन मार के जावा, तेरी नासा दे उत्ते ठुड्डे मार के जावा। ये वाजे कहां से आ रही है, ये कहां से वाजे आ रही है, क्या हो गया तुम्हें? जल्दी चलो, मैं जल्दी चलो। ओहो, फिर आ गया जेम, मैंने गेम खेलनी है, जल्दी करें, बस करें, सवाल जवाब कितनी देर लगाएंगे? कह रही है ना खेलने, कोई बात, चलें चलो 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 ऐसे करके ऐसे। यसु पंजू हार कबूतर डोली, यसु पंजू हार, हार हार, मैं गया, चलो मैं हार गया, मैं पुग गया, तीन रह गए, चलो चलें चलें। यसु पंजू हार कबूतर डोली, मैं जीत गया, आप जीत गया, आप दोनों रह गए, चलो करो जल्दी करो। यसु पंजू आप जीत गए, ये रह गया, तुहाडी वारी आ गई, तुहानू पैनियां ने। पहले आप ठाकुर साहब, आपका फैन हूं, बड़ा आपका गश्त की जैसा मुंह है, आप ऐसे ना करें, हाथ कर से ये।